चलिए परिक्रमा मार्ग में जैसे हम चित्रकूट धाम में परिक्रमा शुरू करते हैं ऐसे मार्ग में ही हमें मिल जाता है, दिख जाता है कंदमूल फल, राम फल, यह कंदमूल फल राम फल जिनको जाना जाता है। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, यह है राम फल, ऐसा कहते हैं। कैसा चल रही है देते भाई? नहीं, हमने जाना है कि ऐसा कुछ लोग बता रहे थे कि यह नहीं है क्योंकि वह छोटा होता है, यह बनाया जाता है अपने बराबर तक होता है, 4 फीट 5 नीचे। अच्छा, कंदमूल फल ही है कंफर्म एकदम? हाँ। अच्छा, आप यही रहते हैं, यही बेचते हैं क्योंकि हम बारह माती यही बेचते हैं। अच्छा, आपका शुभ नाम? बबलू जी ने बता रहे हैं कि चलिए जो है कंदमूल हम खा के इसको देखेंगे भी। कैसे दिए इसको? 10 का 2 20 के 5 है, 10 का 2 20 का 5। आप देखिए इधर उधर ढोलक जैसा इधर रखा गया है, देखिए किस तरीके से, यह बगल नाला है और नाले के बगल जो है छोटी सी पुलिया है, पुलिया ढेर सारे लोग इकट्ठा भी हो गए इधर, देखिए सब लगता है खाएंगे कंदमूल फल। आज क्या खाएंगे ना? हाँ, खाने के कंदमूल फल ही है। हाँ, यही है कंदमूल फल, यही है, यही है। हाँ, यही है। चलिए इधर ले चेक करा, तमाम लोग इधर इकट्ठा भी हो गए और अब सबका अरे नहीं खाए की चेक तो कर ली है ना, रखा गया खनते हैं पहाड़ में, कहाँ खनते हैं? जमीन के नीचे, जमीन के नीचे, जमीन होता नासिक में ज्यादा होता है, नासिक में मिलता पहले, यही बोलता चित्रकूट यहाँ नहीं मिलता है, खत्म हो गया यहाँ पे तो नासिक, नासिक से ले आते हैं। नासिक में कहाँ पे मिलता है? जंगल यहाँ पे चित्रकूट में मिलता है, यहाँ भी मिल रहा था ना, पंचवटी में मिलता है नासिक में। अरे इसे दो हमको खाने का, चलिए हमें भी दीजिए, देखते हैं थोड़ा सा। अच्छा, इसमें ना एक चखिए चक्कर, देखिए अभी इस पर रहे राधा जाए कितने का? 10 रुपये देखिए इसको ऐसे बनाए और देखिए अभी हम खाते हैं, चखते हैं इसको, नंबर के है, कितना मीठा है, वाह वाह बहुत स्वादिष्ट है, भगवान ऐसे को खा कर। लेकिन कुछ लोग बताते हैं कंदमूल फल यह नहीं है, नहीं है कंदमूल, ये है राम फल, है राम फल जो पेड़ में लटकता है। अच्छा, वो दूसरा है, दूसरा है ये कंदमूल है ये। अच्छा अच्छा, ये जमीन में होता है, जड़ है, नासिक में पाया जाता है, नासिक पंचोटी। हाँ, बहुत ही मीठा है, बहुत स्वादिष्ट है, चलो चलो।